राम शोभा यात्रा में मुस्लिम समाज ने भी पेश की एकता की मिसाल, हुई पुष्प वर्षा। देश में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न शहरों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ पुष्प वर्षा कर भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द मिसाल पेश की है। इसके अलावा उन्होंने लोगों के लिए ठंडे पानी की भी व्यवस्था की। इस यात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक भीड़ थी। इस बार भीड़ जुटने की मुख्य वजह हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा करना है। जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। मुरादाबाद में जब ये शोभा यात्रा कुम्हेर गेट से निकलते हुए बीज बाजार में स्थित जामा मस्जिद के निकट पहुंची, तो मुस्लिम समाज भरतपुर द्वारा इस शोभा यात्रा पर गुलाब के फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए इस यात्रा में शामिल लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। मुस्लिम समाज के द्वारा किए गए इस स्वागत को लेकर हिंदू समाज ने उनका आभार जताते हुए प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय द्वारा किए गए स्वागत का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मसूदुल हसन नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया। मुरादाबाद का एक और वीडियो जहां मुस्लिम नागरिक अपने हिंदू भाइयों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर रामनवमी जुलूस का स्वागत कर रहे थे, अब कहां छिपे हैं बजरंग दल के गुंडे। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, बजरंग दल के गुंडे कहीं छिपे नहीं है, वो पूरे भारत में मुस्लिम संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आप और आपके जैसे लोग हैं जो इस तरह छुपे हुए हैं, जैसे कि सही समय आने पर वो आपको बख्श देंगे। इसी शहर में मुसलमानों को उनके ही घरों में तरावी पढ़ने से रोक दिया गया था। उमर अब्बास हयात नाम के एक शख्स ने लिखा, जोर जोर से हंसना, क्या मुरादाबाद वही शहर है जहां मुसलमानों को अपनी संपत्ति में तरावीह की पेशकश करने से रोका गया और कथित तौर पर जुर्माना लगाया गया। इन लोगों को क्या मिला है? ये आरएसएस के मुस्लिम मोर्चा मंच के सदस्य तो नहीं हैं? एक और ने लिखा, मैं सोच ही रहा था कि शरबत वाली वीडियो अब तक क्यों नहीं आई। चलो शरबत नहीं तो फूल ही सही। आपको बता दें, पिछले वर्ष भी राम शोभा यात्रा के दौरान मथुरा गेट पर स्थित मस्जिद के मौलवी के द्वारा इस तरह का स्वागत किया गया था। इस शोभा यात्रा के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस अधिकारी भी शोभा यात्रा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। शोभा यात्रा के स्वागत में मुस्लिम समुदाय के इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।